नमस्ते एंड वेलकम टू योग आरती। चैलेंज का वीक 5 एंड 6 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट संडे 45 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि हाफ चैलेंज डन। अब तक की हाफ जर्नी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सब कुछ इजीली हो गया है, थोड़ा बहुत इधर उधर बिल्कुल हुआ है। जैसे कि इस वीक की एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाई है तो वो मैं नेक्स्ट वीक में मैनेज कर लूँगी। खाने की अगर बात करें तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम बाहर गए हैं, फैमिली फ्रेंड्स सब है और सब कुछ खा सकते हैं, सिर्फ हम अकेले ही कुछ नहीं खा सकते हैं, तो बुरा लगता है। और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं होता है कि एक डेढ़ महीने तक हमने कुछ भी बाहर का जंक ना खाया हो, कुछ ना कुछ तो कभी कभी खा ही लेते हैं। और ये गर्मी का मौसम है तो बाहर का ठंडा आइसक्रीम गोला ये सब कुछ खाने का भी मन कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं रह सकते हैं और रहना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में हमें हमारे लिए हेल्थी ऑप्शंस देखने चाहिए, जैसे कि बिरयानी है, डोसा है, ये सब तो हम बाहर भी खा सकते हैं और गन्ने का जूस पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, पर ऐसा लगे कि बहुत मन कर रहा है या फिर सबके साथ ग्रुप में बाहर है तो हम खा सकते हैं और इसमें क्रेविंग भी ठीक हो जाएगी। दूसरी एक बात मैंने नोटिस करी कि मैंने शुगर को अचानक से बंद कर दिया था। फ्रूट के सिवाय मैंने किसी भी फॉर्म में शुगर को नहीं लिया था। तो स्टार्टिंग में तो चल गया, एक महीने तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, पर धीरे धीरे मुझे वीकनेस फील होने लगी या बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई, पता नहीं क्या हुआ, पर डिफरेंस फील हुआ। तो इससे पहले कि कोई नेगेटिव इफेक्ट हो, मैंने गुड़ एंड कॉफ़ी में मिश्री डालकर कभी कभी लेना स्टार्ट किया है। अब बात करें वेट लॉस की, तो ये स्टार्टिंग का वेट है और ये अभी का वेट है। आप भी देख सकते हैं कि रिजल्ट तो मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो ये था मेरा अब तक की जर्नी का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड मंथ कम्प्लीट होने के बाद मेजरमेंट के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। धन्यवाद।